हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग LIC AAO स्पेशलिस्ट एंड AE एग्ज़ाम। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 4 अप्रैल 2020 को होना था, राइट। सो फाइनली LIC ने अपनी डेट निकाल दी है, 28 अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम रहता है वो रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश रहता है, राइट। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SC ST PWD कैटेगरी के लिए। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन दे रखे होते हैं। अगर आप लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन देखोगे 2020 में, तो उस नोटिफिकेशन में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी दे रखें कि आपको इतने मार्क्स चाहिए हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतने नहीं होते हैं तो आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। और बाकी अदर कैटेगरी का देखोगे, जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, तो उनका इतना रहेगा, ठीक है। एंड आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, मतलब इंग्लिश के मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आगे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। सो अभी मैं आपको बात करूँगी, आपका मेंस एग्जामिनेशन भी आना है, राइट, एंड आपका प्री आपका 28 अगस्त में शेड्यूल कर दिया गया है। सो अगर आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्स बताए हैं कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ बुक्स भी मैंने आप लोगों को मेंशन की हैं, सजेस्ट किए हैं इसमें, तो आप इस वीडियो को जाके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। बाकी अगर मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट मेरे से पूछते हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखिए, अभी आपकी प्री एग्ज़ाम की डेट आई है, एक महीने बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी, तब आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। सो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड अपना प्रोफेशनल नॉलेज, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। एंड जो आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ये वीडियो बताई है, तो अब इसको जाके ज़रूर चेक कर लें कहाँ से पढ़ना है। बाकी मैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो इसको कहाँ से आपको रीड करना है, किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। मेरे एग्ज़ाम में जब मैंने दिया था, तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, एंड आपके थोड़ा बहुत बेसिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट से। और इंग्लिश आपका इसमें भी क्वालिफाइंग होता है। बाकी 300 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन, तो इसकी भी प्रॉपर तरीके से तैयारी करके चलें, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये इस सेक्शन को कहाँ से कवर करना है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, तब आपका 2020 में नोटिफिकेशन आउट हुई थी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को चेक करो, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे सोर्स रिकमेंड किए हैं आप लोगों को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। पूरी PDF प्रोवाइड की है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से एक बार जाके चेक कर लेना मेंस एग्ज़ाम के लिए, और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको अभी से तैयारी करके चलनी है अपनी, राइट। तो सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। ऐसे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑनलाइन सोर्स हैं जो मैं आप लोग को रिकमेंड करती रहती हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए काफ़ी सारी अपडेट मेरे चैनल पर मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आया तो, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।